वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आम क्वेश्चन सॉल्व करुले चैप्टर रो प्रोग्रेस हिसाब से प्रति पार्ट रो आम किछि किछि क्वेश्चन सॉल्व कर चलिया। देखिबा आज रे टाइम हिसाब से जति परमिट करूची सेति क्वेश्चन सॉल्व करिया। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड रे लिखाइ छि, देखो। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। द करंट पॉइंट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। The current points along the positive direction of the axis. Find the magnetic field or the points 1 meter, 1 meter and minus 1 meter, 1 meter. So दीटा वायर अच्छी, x axis direction ने गोटे, y axis direction ने गोटे, current और direction अच्छी x axis और y axis रा positive direction ने। दीटा point हमको दे ची, से point रा हमें बाहर करिया magnetic field intensity। देखिबा, कमती करिया। So this is the x axis and y axis. X axis direction ने current जाऊँ 5 ampere. Wire टा रखा है x axis along the, आउ गोटे wire रखा है straight wire along the y axis, and current through this wire is also 5 ampere. We have to find magnetic field intensity at the point 1 meter and 1 meter. This is the point 1 1। एठे हमें बाहर करिबा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो पिले, ड्यू टू द वायर अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 1 1 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। अगेन मैग्नेटिक फील्ड due to the wire along the y axis will be perpendicular to this plane and directed inwards. So dite jangor direction dekho pile opposite rahibo, au jehetu dite jangor saman current achi au distance saman achi magnitude bhi saman rahibo. So jehetu magnitude saman au direction opposite, net magnetic field will be zero. So the net magnetic field will be zero at this point p. So bx at P, B1 B2 नवा, X axis में मने करो B1, for point P, B1 is equal to mu 0 I by 2 pi R, mu 0 I by 2 pi R, that is equal to, mu 0 by 2 pi R भेलू गेते, 2 into 10 to the power minus 7 into current 5 divided by R, R केते अच्छी, 1 meter अच्छी, SI रे अच्छी, so 1, so that is equal to 10 into 10 to the power minus 7, that is equal to 10 to the power minus 6 tesla, and the direction is x axis pa ame bahar karuchanti, direction is outwards, so the direction is dot outwards. Now magnetic field due to the conductor along y axis b2 is also equal to mu 0 I by 2 pi R, that is also equal to 10 to the power minus 6 tesla, but the direction is cross, the direction is inwards. So the net magnetic field intensity B is equal to B1 plus B2, that is equal to 0. Janihala bile, so the point P re मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आसीबो 0, गोटे आसीबो 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला आउटवर्ड्स, आ गोटे 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला इनवर्ड्स। सो दिते जंगर रिजल्टेंट आसीबो के 0। एबे आ गोटे पॉइंट पर जे जी माइनस 1 1 मीटर, सो माइनस 1 1 मीटर, x इज माइनस 1, y इज 1, सो दिस इज द पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी p1। So the coordinates are minus 1, 1. देखो, x axis along जो conductor टा अच्छी ताप है आसीबो कौन? Outwards. Y axis जो टा अच्छी ताप है भी आसीबो outwards. ए केस रे, for the point P1, magnetic field intensity due to both the wires will be in same direction, that is perpendicular to the plane and directed outwards.
सो दीटा जाक मिसे दबा फॉर पॉइंट पी वन फॉर पॉइंट पी वन डी वन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला डिरेक्शन इज डॉट एंड डी टू इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला द डिरेक्शन इज ऑल्सो डॉट सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला और दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो टेस्ला बुझेगा पे सो पॉइंट वन वन दीटा जाकर डिरेक्शन अपोजिट रही से जीरो पॉइंट माइनस वन वन दीटा जाक मैग्नेटिक फिल्ड डिरेक्शन सामान डिरेक्शन रोचे सो आम मिसे दूसरी सो नेट मैग्नेटिक फिल्ड आस माइक्रो टेस्ला गोटे इनफाइनाइट कंडक्टर पर फर्मुला यूज कर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बाय टू पाई एवं जीवा पे क्वेश्चन नंबर टू सो क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर टू देख पे क्वेश्चन नंबर टू बोर्ड रे लिखा है ए सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज 5 लेयर्स ऑफ 1400 टर्न्स ईच इफ द करंट थ्रू द सॉलिनॉइड इज 2 एम्पियर कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर वेरी सिंपल क्वेश्चन 5 लेयर्स अछि 5 लेयर्स ईच लेयर रे अछि 1400 टर्न्स 5 लेयर्स ऑफ कोटिंग ईच लेयर रे अछि 1400 टर्न्स सो द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड n इज इक्वल टू 5 इनटू 1400 दैट इज इक्वल टू 7000 टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नाउ लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड l इज इक्वल टू 1 मीटर सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 7000 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 7000 टर्न्स पर मीटर सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पाई करंट थ्रू द सॉलिनॉइड इज गिवन I is equal to 2 ampere and pacharji kon calculate the flux density at the center flux density means magnetic flux density at magnetic field intensity magnetic field intensity or magnetic induction or magnetic flux density ta bhai formula kon for magnetic flux density B is equal to mu 0 ni So that is equal to n is the number of turns per unit length, I is the current, mu zero the value kete, mu zero is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 into number of turns per unit length, that is 7000 into current through the solenoid and the current through the solenoid is 2 ampere. So aku calculate karibo, ja asibo seta ho answer. The answer is 0.0175 Tesla. So calculate करिवो answer देखिए match करिवो ठीक अच्छे जी ना भूल आती निजे calculate करिवो the answer is given this much you have to calculate this simple calculation and find out the answer. अबे जी आप लिए question number three. क्वेश्चन नंबर थ्री देख पहले क्वेश्चन नंबर थ्री बोर्ड लिखा है ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.015 मीटर हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 850 टर्न्स ईच इफ द सॉलिनॉइड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए क्रॉस सेक्शन एट द सेंटर मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी फाइव बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पचार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पचार क्वेश्चन में कौन कौन दिया है सॉलिनॉइड लेंथ इज गिवन लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड इज 1 मीटर रेडियस इज गिवन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस इज 0.015 मीटर फाइव लेयर्स
फाइव लेयर्स, इच लेयर रे अच्छी 850 टर्न, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन इज इक्वल टू 5 × 850, दैट इज इक्वल टू 4250 टर्न्स, 4250 टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आउ कौन दिया है जी, करंट थ्रू द सोलेनोइड आई इज इक्वल टू 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर इज द करंट थ्रू द सोलेनोइड। नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। वी नो दैट मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई इफ देयर इज नथिंग पैक्ड इनसाइड द सोलेनोइड। यदि सोलेनोइड भीतर किसी पैक करा जाए नहीं बा किसी कोर नहीं, यदि किसी कोर थाए ताले बी इज इक्वल टू म्यू एन आई और म्यू जीरो म्यू आर, ये रिलेटिव परमेबिलिटी आसीबो। जेतु ए सोलेनोइड रे किसी कोर नहीं बा किसी पैक करा जाए नहीं यार अच्छे भीतर, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। नाउ म्यू जीरो रा वैल्यू केते, 4π × 10⁻¹⁷, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, 4250 बाय लेंथ इज 1 मीटर, इनटू करंट, करंट इज 5 एम्पीयर। सो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू विल कम 2.67 × 10⁻²⁺ टेस्ला इन एसआई। सो कैलकुलेट करिबो जहाँ आसला सेटा हमारा आंसर, एटा को निजे कैलकुलेशन कर देखो आंसर एति आसूची ना नहीं मैच कर आंसर सहित, एति आंसर आसूची ना नहीं मैच कर। सो आउ कौन पचार मैग्नेटिक फ्लक्स, वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाय इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाय सेंटर रे पचार गोटे क्रॉस सेक्शन रे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता एन बी ए नंबर ऑफ टर्न्स बी ए, गोटे क्रॉस सेक्शन में पचार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सो दैट इज इक्वल टू फाइ इज इक्वल टू बी ए, सो दैट इज इक्वल टू जहाँ आंसर 2.67 × 10⁻²⁺ इंटू पाय आर स्क्वायर, एरिया इज पाय आर स्क्वायर, सो पाय आर स्क्वायर आर इज गिवन 0.015 स्क्वायर। कैलकुलेट करिबो जहाँ आसीबो सेटा हबो आंसर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस मच, यूनिट टा कौन रहियो पिले वेबर, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। सो दिस इज द आंसर, कैलकुलेट करिबो जहाँ आसीबो सेटा आंसर लिखिबो, कैलकुलेट करिके आंसर खाता रे लिखिबो। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्वड, नाउ देखिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए 0.85 मीटर सोलेनोइड विदाउट ए कोर हैज 750 टर्न्स इन व्हिच देयर इज ए करंट ऑफ 5.6 एम्पीयर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड। Assume that diameter of the solenoid is very small as compared to the length of the solenoid. So diameter is small, it is a long solenoid, length is more than that of the solenoid. All are given, just put the formula and get the answer. How much is it? Very simple question. So magnetic field intensity or magnetic flux density B is equal to mu 0 n r. सो क्वेश्चन ने कौन कौन गिवेन अच्छी, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एल इज इक्वल टू 0.85 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दे छी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू 750 टर्न्स, करंट इज आल्सो गिवेन आई इज इक्वल टू 5.6 एम्पीयर हैला। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आर, म्यू जीरो
capital N by L into I. This will be the magnetic field intensity or magnetic induction inside the solenoid. So that is equal to mu zero ra value 4 pi into 10 to the power minus 7 into number of turns, total number of turns 750 divided by length of the solenoid or number of turns per unit length ame kemti paiba, total number of turns divided by length. Length is given 0.85 and the current into current, current is 5.6 ampere. So this marks calculation karibo bile जहाँ आसीबो सेटा होची आंसर तमे कैलकुलेशन करके मैच करिवो ए आंसर सहित समान होती ना नहीं. दैट इज इक्वल टू 6.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला. ऑल आर गिवन इन एसआई, सो द यूनिट विल बी आल्सो इन एसआई, दैट इज टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला. सो दिस विल बी द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर. सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सो सॉलिनॉइड ऊपर किछ क्वेश्चन आमे कले एबे जेबा मूविंग चार्जेस ऊपर को किछ क्वेश्चंस करिया. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. ए प्रोटॉन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, खाली फार्मूला जानि जना नै सेटा डिपेंड करे. फॉर्मूला जानी थी ले, फॉर्मूला पकेब आंसर बार कर दियो और किछ नहीं है क्वेश्चन रे. ए प्रोटॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.8 टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन? वी नो दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F is equal to Q into V cross V. ये फॉर्मूला हमें पढ़ी थी ले. That is equal to QVB sin theta. ये डा हमें जानी चाहिए. Force on a charge particle when moving in a uniform magnetic field. So हमको question ने कौन-कौन दिया है इची? The charge is proton. So proton जब ये अच्छी proton का charge कितना हमें समझते जानी चाहिए. प्रोटॉन, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज आल्सो गिवन, द वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन, बी इज आल्सो गिवन. सो बी इज इक्वल टू 1.8 टेस्ला. Now angle between the direction of motion and magnetic field is also given. The it is given that the proton is moving perpendicularly to the magnetic field. That means angle is given. Angle between motion of the charge and the magnetic field theta is equal to given 90 degree. Perpendicularly motion करो जी, so angle will be 90. सब बिल्कुल दिया है जी, किसी नहीं खाली multiply करता हुआ answer बाहर करता हुआ. नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी QVB sin theta, सो QVB theta सब दिया है जी, मल्टीप्लाई करो आंसर बाहर करो. सो नेट मैग्नेटिक जो नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन F इज इक्वल टू QVB sin theta, दैट इज 1.6 into 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज into वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 into मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1.8 into sin 90. साइन 90 का वैल्यू पिले 1 मल्टीप्लाई करिवो जहां आसीबो सेटा हो आंसर. सो द आंसर इज 2.88 इनटू 10 टू द पावर माइनस 14. 2.88 इनटू 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन. ऑफ कोर्स इट इज न्यूटन, सब एसआई रे दिया हितला यूनिट्स. सो नेट फोर्स ऑन द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज 2.88 इनटू 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन. हैला वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर. अब जीवा में पिले क्वेश्चन नंबर 6 को.
क्वेश्चन नंबर सिक्स देख पे क्वेश्चन टाइम मुंड खर्च करा पड़ो ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड टू पास थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन कंपेयर द रेडी ऑफ पाथ्स ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल कौन आम समस्त जानते अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। प्रोटोन रो मास अपेक्षा अल्फा पार्टिकल रो मास चार गुणा अधिका। प्रोटोन रो चार्ज अपेक्षा अल्फा पार्टिकल रो चार्ज दि गुणा अधिका। सो चार्ज ऑफ प्रोटोन बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 एंड मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4। आम समस्त जानते जदि गोटे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मोशन करे गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रे एटा गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करे आउ सर्कुलर पाथ रो रेडियस पाइ फॉर्मूला थिला पिले आम समस्त जानते आर इज इक्वल टू mv/qv। जदि चार्ज पार्टिकल टा गोटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करुची गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रे जदि परपेंडिकुलरली मोशन करे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू mv/qv। नाउ दीटा रेडियस आम बाहर करवा प्रोटोन रेडियस आउ अल्फा पार्टिकल रेडियस भितर कंपेरिजन कर क्वेश्चन कंपेयर द रेडी मान रेसीओ बाहर करवा अल्फा पार्टिकल रेसीओ अल्फा पार्टिकल प्रोटोन रेडियस रेसीओटा बाहर करवा। सो क्वेश्चन गिवन अच्छी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन। सो आम जानते काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m p² / 2m इज इक्वल टू p² / 2m। सो प्रोटोन रो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 × मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल रो मोमेंटम रो स्क्वायर बाय 2 × मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इधर हमें कौन पाउछन्ती देखिबा दैट इंप्लाइज मोमेंटम ऑफ प्रोटोन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल रो स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हैला दैट इंप्लाइज मोमेंटम ऑफ प्रोटोन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। एटा क्वेश्चन बेले गिवन अछि जेहेतु तार काइनेटिक एनर्जी दि जणना कर समान तो आम से पाइले मोमेंटम ऑफ प्रोटोन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो आम कंपेयर करिबा रेडियस रेडियस ऑफ प्रोटोन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो रेडियस ऑफ प्रोटोन को मुझे लिखुची रेडियस ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन बाय चार्ज ऑफ प्रोटोन इनटू मैग्नेटिक फील्ड दिस इज द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू mv/qv। सो प्रोटोन पाई सब प्रोटोन नबा प्रोटोन मास प्रोटोन वेलोसिटी प्रोटोन चार्ज। अगेन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर दिटा को टर्म को पिले देखो मास इनटू वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम। सो रेडियस ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटोन बाय चार्ज ऑफ प्रोटोन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। प्रथम रूपले मु कहिछि आमे समस्त जानि छथि रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन एंड रेशियो ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन। वी नो दैट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ प्रोटोन बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 एंड मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/4। एटा हम समस्त जानिछथि प्रोटोन रो मास टू हीलियम न्यूक्लियस बा अल्फा पार्टिकल रो मास टा होथि 4 गुणा अधिक। प्रोटोन रो चार्ज टू अल्फा पार्टिकल रो चार्ज टा 2 गुणा अधिक। प्रोटोन रो चार्ज +1
आर प्लस टू आर मास जहा तार मास टा होची 4 गुना एटा हम जानि छन ना कंपेयर करबा रेडियस सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ रे मोशन करबा परपेंडिकुलरली मोशन करले इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो तांकर रेडियस रो रेशियो टा हमको पचारि छी रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस सो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल सो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट समान मैग्नेटिक फील्ड रे मोशन करूछंती Now the answer is momentum of proton by momentum of alpha particle into charge of alpha particle by charge of proton. Hello. So momentum of proton by momentum of alpha particle pa ami janichanti mass of proton by mass of alpha particle root over that is equal to root over of 1 by 4 into चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 2 बाय 1 1 बाय 4 रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू 2 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1:1 सो दीटा जाक समान रेडियस रे मोशन करिवे जो सर्कुलर पाथ रे दीटा जाक मोशन करिवे दीटा जाक सर्कुलर पाथ रे रेडियस रे समान सो दिस विल बी द आंसर बुझी पारथिबो बथे पिल माने प्रोटॉन आ अल्फा पार्टिकल रो क्वेश्चन ने दिया हेतिला कोन काइनेटिक एनर्जी समान रो आमे तांकर मोमेंटम रो रेशियो पाइले आ से मोमेंटम रो रेशियो आंसर रे पकेले सो दिस इज द सॉल्यूशन लिखि दबो खातरे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सो दिस मच नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि क्वेश्चन से आमे सॉल्व करियौ